फिर कहते हैं जी वो इंजीनियर साहब को चूंकि समझाना नहीं आता, मुफ्ती साहब ने समझाया, देखो एनी जी गल समझाने की कोशिश की थी, नस गया जे, ओए नस गया जे, और डर गया ही होए, हाँ मीम्स बढ़न गया, और डर गया ही होए, हम भी एक जिन थे, बस निकल गई हो, आज हम दियो है जिन्हों के भी प्यो है। इंजीनियर साहब जरा ना थोड़ा पोलाइट हो जाए, अल्लाह के बंदो ये काबू ही मेरे आए हैं, मैं पोलाइट होता इन्होंने मेरी एकेडमी की ईंट से ईंट बुझा देनी थी। मैंने इनके घर में ऐसी आग लगाई है कि इन्हें वो आग बुझाते बुझाते ही इनके 14 साल निकल गए हैं। और ये मैं आपको अपना ट्रूथ रिवील कर रहा हूं, मेरे साथियों को पता है मैंने 2009 में जो पहली दफा अंधाधुन पैरवी का अंजाम पंफलेट लिखा था ना, वो इसीलिए लिखा था। और 2012 में मैंने 71B मसला इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताहाना इबारात का तहकीकी जायजा वो रिकॉर्ड इसलिए करवाया था, मुझे पता था मैंने जैसे ही कुरान बुखारी मुस्लिम की बात की कभी इन्होंने मुझे वाबी कहना है, कभी इन्होंने कहना है नया फिरका लॉन्च कर लिया, और आखिरी इनके पास हाल ये होगा ये मुझे गुस्ताखे रसूल कहेंगे। अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे गुस्ताखे रसूल नहीं साबित कर सके, कहते हैं बुजुर्गों का गुस्ताख है, मेरा फख्र है जनाब, मैं उन बुजुर्गों का गुस्ताख हूं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, जिन्होंने गुलाम कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। गुस्ताखे रसूल नहीं कहते बुजुर्गों का गुस्ताख है। तो वो कोड़ा जो इनके हाथ में था वो मेरे हाथ में आज, समझ रहे हैं ना आप, हाँ बड़ा ही बुरा वक्त आया जे ना होता है, यकीन करो इन्होंने सोचा भी नहीं सी, एक छोटी सी पुड़िया उसामुल अरमैन लिख के सारे फिरकों को इन्होंने आगे लगाया हुआ था। आज इंजीनियर साहब से भीख मांग रहे हैं, इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख न कहें जो पूरी दुनिया को गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखा करते थे। तो ये मैंने इसीलिए किया था कि ये कुरान और सुन्नत के आगे बंद मानने की कोशिश करेंगे, मैं इनका मटीरियल ही गायब कर दूं। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा सबर करो, और ऐसा गायब हुआ है कि अब इन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कोई शौक नहीं था, लोग कहते नहीं बैठे बैठाए कपड़ा तुसी उखेड़ देती है ने बाबियां दी है, जरूरत क्या भाई, मेरी मजबूरी थी भाई, मैं क्या करूं, जब जिंदगी मौत का मसला बन जाए तो आप हराम भी खा सकते हैं। तो यहां तो उम्मत की अकीदे और ईमान की जिंदगी मौत का मसला था, तो मैंने फिर बुजुर्गों की किताबें उखाड़ी हैं। ये मुझे नाकाम कर सकते थे अगर पहले दिन ही आके लाने बरात कर देते, किताबों को आग लगा देते, प्रिंटिंग बंद कर देते, पहले दिफा करते रहे, बाद में कहते हैं जी वो इलाकी बारते हैं, फंस गए। अब लोग कहते हैं इंजीनियर साहब ने दाखिल करवाई है, पहले मुनाजरे क्यों किए थे। अब मुझे बताएं जब ये इस बंद गली में चले जाएंगे तो मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट ही करवाएंगे ना, और क्या करवाएं, अब चारा तो कोई नहीं है, लेकिन आगे चल हाँ, या फिर आए दिन वो तमाशा लगाएंगे जी, 1-to-1 सामने बिठाएं जी, हमारे मुफ्ती साहब आ जाएंगे। ये देखा है ये 1-to-1 जो हुआ है, ये साहिल अदीम साहब का और वो जो एक कोई आलम दीन थे बरेलवी, मुझे आप ना सिखाएं, मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं शाखों को भी जानता हूँ, इसीलिए आप जहाँ पर गलत बात करेंगे मैं नकब, मैंने तो अभी अभी तो इनको अभी मेरा केस भी नहीं समझ आया, मैंने केस समझ लिया रियली, तो मुझे इनको काम था जनाजा पढ़ाना, आप यहाँ पे मुझे मैं बताता हूँ, मैंने कहा है मुआशरे नहीं जिम्मेदारी, आपको क्यों नहीं समझ आती जनाब, आपने वापस क्यों नहीं लिया, मैं वापस ली है ना इसलिए अभी बैठा हूँ, इसलिए मैं काम, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सर, सही गलत बात, सुन ले मेरी बात, सही और गलत फलसफे के खिलाफ चल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट, सही और गलत का सीधा इस्तेमाल करें, मेरी बात सुन लेना, अब कैसा लगता है, तो बात काटे के अंदर हर तबके के अंदर है, ये वाली कहानियों में ना आपको आमने आने वाली बात, आपको ना हजारों लाखों अफाद नजर आ रहे हैं, करोड़ों 25 करोड़ गुलाम नजर आ रहे हैं, उनमें अफाद शामिल है, वो एक घोड़े के गुलाम है, पता क्यों, बोले साहब आप जातियात पे आएंगे ना, ये बात स्टूडियो से बाहर भी करनी आती है, जातियात पे मत आए, गलत मुसलमान से पंगा ले रहे हैं, ठीक है, जाति धमकी।
था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो इसको, तू बता के ये तुम्हारे आला हजरत ने जो ये वाबियों के खुदा को ये जो नंगी गालियां दी हैं, ताकि पूरा मीडिया देखता कि किस तरह दिफा करते हैं, किसी की इल्जामी बात को उठा के ये किस लेवल के ऊपर ले जाते हैं, और अपने ने जो डायरेक्ट बात की हुई है उसकी भी तावील करते हैं। अब अगर ये कह रहे हो तो अब अपना बड़ा लॉन्च करो और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूं। हाँ, वो तो मिर्जा जूनियर तो दज्जाल सूफियों का मानने वाला था, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, मेरा क्या उसके साथ लेना देना। मैंने तो तुम सबको नंगा किया समेत तुम्हारे उस छोटे जूनियर के। तो ये कहानियां करा